देख दे भैया ने क्या उन्हें मार दे खाली अंदर ले जा सर करीब 13-14 लोगों के चोट आई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर 13 के रहने वाले हैं। किन लोगों ने आपके साथ में मारपीट की? सर बल्लो और बल्लो के लड़के और उनकी पत्नियां और मतलब 2-3 लोग चरण आगे हुए थे। किस चीज़ से मारपीट की आपके साथ में? सर सर यह लाठी डंडे और मतलब पत्थर बता रहे पथराव भी हुआ है वहाँ पर। हाँ सर तो भी आप जीज़ा से फोड़ दिए मकान के सर। पुलिस पहुंची थी क्या मौके पर? नहीं पहुंची सर, पुलिस पहुंची थी लेकिन थोड़ी लेट हो गई थी। पुलिस लेट हो गई थी। किस बात को था? किस बात सर विवाद? मैंने एक मकान लिया था 8 साल पहले 2011 में। सर अब उन्होंने केस चालू कर दिया था और केस में जीत चुका हूँ 29 अक्टूबर को। लेकिन मतलब ये अब वो कह रहे थे अपील करूंगा, लेकिन मतलब ये उन्होंने अपील कहा तो मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन मतलब ये मेरा कब्जा था। ये जीतने के बाद आज उन्होंने मतलब ये अपने कब्जे कराएगा सामान पटक दिया बाहर और मतलब ये कब्जा करने की कोशिश करी, हमने मतलब भीतर नहीं घुसने दिया तो उन्होंने मतलब ये पथराव किया लाठी डंडों के सबसे। तो आप लोग वहाँ पर कब्जा लेने गए थे? नहीं सर, कब्जा तो हमारा था ही। अच्छा, तो उन्होंने कब्जे किन किन लोगों ने मारपीट की थी आपके साथ में? सर बल्लो ने की थी और बल्लो के 3 लड़के थे। क्या क्या नाम है उनके? नाम तो सर मुझे नहीं मालूम है। उसकी बल्लो की पत्नी थी और 2 लड़कों की पत्नी थी। अभी आपने तहरीर दी है थाने में आकर के? सर थाने में तहरीर दी।